जोड़ी तेरी मेरी बाबा जे बना देवे मेरे ऐतकी दे पाले हो जवे। जोड़ी तेरी मेरी बाबा जे बना देवे मेरे ऐतकी दे पाले हो जवे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चलते चलते चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो युवराज से किसी प्रकार से कम नहीं है। ये उसी का वंशज है। इसके पिता का नाम हम भाई साहब से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब इसके पिता का? गोलू। गोलू है जी। जी, इसके पिता का नाम है गोलू। इसके फेस कट देखिए आप, कितने सुंदर फेस कट हैं। आप इसके टेस्टिकल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि टेस्टिकल से हम बुल को पहचान सकते हैं, उसकी क्वालिटी को पहचान सकते हैं। शानदार टेस्टिकल्स, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बेहतरीन। और इसकी उम्र केवल 3 साल है। भाई साहब ने, गोलू भाई साहब ने बताया, इसकी उम्र केवल 3 साल है, जब तक कि हम जानते हैं कि जो बुल है वो करीबन 4-4.5 साल तक अपने शरीर की ग्रोथ करता है। तो अभी ये और भी, इसकी जो हाइट है वो और भी ग्रोथ करेगी और इसकी लेंथ भी ग्रोथ करेगी। जो इसके जो मालिक हैं, ये कुमासपुर गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, जिनका नाम है मोनू। अब मोनू से हम कुछ सवाल पूछते हैं। मोनू भाई साहब, आप कितने दिन पहले लेके आए थे? आपने खुद का पाला हुआ ये? अपना जी, जी। आपका खुद का पाला हुआ है? हाँ जी। अच्छा, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है दूध का? कितना रिकॉर्ड है इसकी माँ का? इसकी माँ का जी 21 किलो है जी। 21 किलो? हाँ, राइट 21 किलो जी। राइट 21 किलो का जो है इसकी माँ का रिकॉर्ड है। और इसकी माँ से, माँ को आपने किससे गाभिन कराया था? गोलू से। गोलू से जी। जी, जो इसका आप अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो ये वही युवराज की जो है कैटेगरी का मिलेगा। हाँ जी। मार्केट में इसकी जो है क्या वैल्यू है आज के दिन आपके हिसाब से, आपके बुल की क्या वैल्यू है? इसकी मार्केट में 8-9 लाख रुपए लोगों ने लगाए। 8-9 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन आपने दिया नहीं? हाँ जी। अच्छा, आप बेचना ही नहीं चाहते? नहीं जी, बेचना नहीं चाहते आप? नहीं जी। अच्छा, तो कितने जो है आपका क्या इरादा है कि कहाँ तक बेचना चाहते हैं आप इसको? हमारा इरादा नहीं, जब हमारा इरादा है आगे इसकी नस्ल तैयार करने का। इस आगे लाए जी। जी, भाई साहब ने कितनी शानदार बात करी है। भाई साहब चाहते हैं कि हम इसको बेचना नहीं चाहते, हम नस्ल सुधारना चाहते हैं, एक अच्छी नस्ल तैयार करना चाहते हैं, बेहतरीन नस्ल तैयार करना चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, एक चीज और बताइए, आप इसका सीमन भी तैयार करवा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, सीमन भी तैयार रखा जी। सीमन तैयार करवा लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सीमन कितने में सेल कर रहे हैं आप? सीमन जी हम 300 रुपए में सेल कर रहे हैं। 300 रुपए में सेल कर रहे हैं? हाँ जी। अगर कोई ज्यादा सीमन लेता है तो सस्ता भी कर देंगे? हाँ जी। ठीक है, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है, अगर कोई ज्यादा सीमन लेना चाहता है तो उनको सस्ता भी करा देंगे। इसकी थोड़ा खुराक के बारे में बताइए, आप क्या देखभाल करते हैं, नहलाना खिलाना पिलाना, इसकी खुराक क्या देते हैं आप इसको? इसको जी सुबह उठा के नहाते हैं, नहाते हैं जी, अनाज वगैरह दूध खिलाते हैं जी। कितना कितना अनाज खिलाते हैं इसको दिन में? इसको चना अनाज और बिनोला सब कुछ मिक्स करके वो खिलाते हैं। बिनोला अनाज सब कुछ मिक्स करके कितना हो जाता है? कम से कम जी 5 किलो हो जाता है जी। 5 किलो से ज्यादा? सुबह का, सुबह का जी, सुबह का, सुबह सुबह का 5 किलो खिलाते हैं। हाँ जी। और खिलाते हैं इसको? अच्छा, कच्ची सब्जियां, वेजिटेबल सब्जियां? हाँ, ये खिलाते हैं जी, हरी सब्जी जी, गाजर वगैरह जी खिलाते हैं जी। गाजर वगैरह सीजन पे खूब खिलाते हैं? हाँ जी। इसका वजन कितना है लगभग? वजन है जी अब जी 1200
किलो जी, 1200 किलो अभी है, अभी है जी। देखिए बहुत शानदार 1200 किलो वजन है इसका अभी, और ये केवल 3 साल का है, जबकि युवराज जो बुल है उसका 1500 किलो वजन बताया जाता है, और वो उम्र में इससे ज़्यादा है, यानी कि जब ये युवराज की उम्र में आ जाएगा तो लगभग उसके इक्वल ये आराम से हो जाएगा। बहुत सुंदर कद काठी और जो है फेस कट का ये बुल। एक बार मैं आपको इसको पीछे से दिखा देता हूँ, देखिए हाइट, भाई साहब की हाइट 5'8" है, और लगभग इसकी जो बुल की हाइट है वो 5'6" के आसपास है, बल्कि फेस ऊपर करते हैं तो वो ज़्यादा चला जाता है, लेकिन इसके हम जो हाइट जहाँ से नापते हैं, भाई साहब हाइट जहाँ पे नापते हैं, आप हाथ रख लो एक बार यहाँ पे, हाथ रखना यहाँ पे, हाइट यानी कि 5'6" या 5'5" तो इसकी श्योर है, भाई साहब की हाइट 5'8" है। बहुत सुंदर, आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं, एकदम भरे हुए पिट पुठे, और जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट स्किन है इसकी, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी का। इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम है, ये इसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ध्यान से देखिए आप, और इसके टेस्टिकल्स को भी आप एक बार नज़दीक से देखिए, शानदार टेस्टिकल्स, इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं। तो भाई साहब का मैं नंबर वीडियो में डाल दूंगा, अगर किसी भाई साहब को सीमन अगर इसके चाहिए, मंगवाने हैं बल्क में, तो भाई साहब सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे, ये सीमन हमने तैयार करवा के रख लिए हैं भाई साहब ने। शुक्रिया भाई साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप नस्ल सुधार के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, और भगवान आपको तरक्की दे, और आपके जो है बुल को भी अच्छा स्वास्थ्य दे। चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, नमस्ते। छाती दिल्ली छोटी ना एरा फेरी, भूली मन में थोड़े दिन में काया की हो जा ढेरी, दिखलुची छागी रुचि चोपन भी तेरा पचा, थोड़ी अस्थी छागी मस्ती चोपन पे पचा सका, कोई लुमारा ला दे जाड़ा छोड़े मैं घेर डका, बोल सके ओए बिना मर्द की फर्द बिना के लोल सत्य लेकी।